हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, अब आप मेरे लाइव क्लासेस को अनकेडमी पर वॉच कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मीन्स 2018 से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मेरे वहाँ पे चल रहे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के जो कोर्सेज हैं वो मेरे जो है वह चल रहे हैं। इसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में आपको नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड होंगे। वीडियोज़ आप डायरेक्ट लाइव भी वॉच कर सकते हैं और बाद में भी उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो कोड दिया गया है, इस कोड का यूज़ आप करेंगे, शिवम10 जो कोड है, तो आपको इसमें 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना है ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पर कोड में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो देखिए अप्लाई कोड यहाँ पर लिखा होगा और शिवम10 जब आप डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको जो ऑफ मिलना होगा वो आपके मंथ के बेस पे जो है वो मिलेगा। और जितने ज़्यादा दिन का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस हिसाब से जो है आपको ज़्यादा ऑफ भी उसके ऊपर मिलेगा। तो इस तरह से आप शिवम10 जो कोड है मेरा ये डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ इस पे मिल जाएगा। साथ में अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर व्हाट्सएप का मेरा दिया है, इस पे आप करके कोई भी परेशानी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर जो दूसरी सीरीज़ है उसको देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाया था, उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, एक कथन यूज़ होता है भ्रष्टाचार के लिए कि अधिक कानून जब होते हैं तो वो भ्रष्टाचार को और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यानी कि किसी काम के लिए आप सोचिएगा ज़्यादा वेरियस लगे हों तो जाहिर सी बात है कि कानूनों का हवाला देते हुए प्रयास किया जाता है कि इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों को परेशान किया जाए, या हर बार जो है उनको आज ऑफिस नहीं आना, कल आना, परसों आना, ठीक है, तो इस तरह से उनको परेशान किया जाता है कानूनों का डर दिखाकर। तो ज़्यादा कानून जहाँ होंगे वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने में 3 सामाजिक सदस्य जो है वो सहायक हैं, जिसमें माता, पिता और शिक्षक का योगदान रहता है। जैसे शिक्षक सही और गलत में अंतर जो है वो बच्चे को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। माता जीवन का प्रमुख आधार है, प्रत्येक परिस्थिति में सहायक की भूमिका माता की रहती है, पिता की अगर नहीं रहती, लेकिन जितना क्लोज बच्चा माता के रहता है इतना पिता के नहीं रहता, लेकिन पिता से वह सीखता है अनुशासन और उसके अंदर जो सीखने की ललक बनती है, ठीक है। पिता बच्चे की रुचि के अनुसार उसे उन कार्यों को आगे करने की अनुमति प्रदान करता है और साथ में उसके साथ में एक सुझाव भी वहाँ पर रहता है कि जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुशासन से नहीं चलते हैं तो आप लक्ष्य को अपने प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे भटक सकते हैं। अगला है प्रशासनिक सुधार क्या होने चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है भ्रष्टाचार की सूचना के लिए एक आंतरिक तंत्र की स्थापना जो है वो होनी चाहिए। पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के द्वारा नैतिकता चेक की जानी चाहिए। स्कूलों में भी तो नैतिकता का जो है वो पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए कि नैतिक शिक्षा बच्चों में हो। नागरिक पोर्टल यानी कि शिकायत तंत्र, जन जागरूकता को बढ़ावा देना, सामाजिक उत्तरदायित्व, विकेंद्रीकरण, इसके साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति, लेखा परीक्षा, बिग डाटा जैसे उच्च तकनीक का प्रयोग जो मनुष्य के हस्तक्षेप को कम करता हो। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही मनुष्य का क्षेत्र जो हो हस्तक्षेप कम होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, और कानून के अनुसार अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल मिलेगा और नहीं करते तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो कोई अपनी तरफ से जो है आप उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकता। नियम कानून प्रक्रिया में सुधार, न्यायिक सुधार, सिविल सेवा में सुधार और सिविल सर्विस बोर्ड का निर्माण, और सिविल सेवा को कार्यबल की सुरक्षा और जांच भी। अगला है चुनावी सुधार में क्या करना है। प्रत्येक स्तर पर सूचना निवारण तंत्र का निर्माण, जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है हमारा उसमें संशोधन, आचार संहिता को कानून रूप से जो है वो प्राप्त हो, इंद्रजीत गुप्ता समिति को प्रभावी बनाया जाए जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है, इसमें चुनाव में जो राज्य फंडिंग की बात की गई है वो सामने आती है। गवर्नेंस में सुधार में देखें तो जो स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाना चाहिए, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट को कानूनी रूप दिया जाए, लाभ के पद को परिभाषित करना, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है।
उसके बाद में अगर हम बात करें पुलिस सुधार की, तो प्रकाश सिंह समिति जो है वो बनी थी, उसी के आधार पर उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसमें पुलिस सुधार में सारी चीज़ों को देखते हुए करप्शन के रोकने के लिए भी हैं। अन्य सुधार में देखें तो कानून की रिक्तता नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक शून्य स्थान जो है वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी कानून नहीं बना किसी के लिए। और कानून जो है वो सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो कोई कानून है इतना कठिन बना हुआ है कि उस कानून के सारे जो प्रावधान हैं बताने के लिए कोई व्यक्ति जो है उसके लिए अधिकृत हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कानून इतना सरल हो कि कोई भी उसको समझ सके। निष्कर्ष में देखें तो भ्रष्टाचार ने आज जो है वो संस्थागत रूप अपना जो है वो बना लिया है, और शीर्ष पर बैठे व्यक्ति तक जांच की जो आँच है वो नहीं पहुँचती, तथा निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार में सहायक ही भूमिका निभाने वाले व्यक्ति तक जो जांच है वो सीमित होकर रह जाती है, जिसके कारण अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी मात्रा को सहनशील बनाया जा सकता है कि एक ऐसी अवस्था हो जिसको मतलब जो रनिंग में चलती रहे और सारी व्यवस्था किसी को नुकसान ना हो। पूर्ण रूप से तो इसको समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करना चाहता है तो अगर कुछ ऐसे पैसे वो अफोर्डेबल हों, वो दे सके और उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, उसका काम जल्दी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तो कम से कम हम इसको ला ही सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जैसे ई गवर्नेंस का, जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन आप सारी चीज़ों को कर दीजिए, कानून की जो ज़्यादा कठोर कानून बना रखे हैं तो उसमें सुधार किया जाए, सरल कानून बनाए जाएँ। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। थैंक यू।